बलूचिस्तान में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा आफत ज़दा करार, एमरजेंसी नाफिज कर दी। खला सैफुल्ला, यो, पशीन और हरनाई सबसे ज़्यादा मुतासर अजला, नदी नाले बिफर गए। राबता सड़कें बह गईं। मुस्लिम बाग, कमरुद्दीन और खशनोब में सैलाब। मुतादिद देहातों में रेला दाखिल। छतें और दीवारें गिरने से 3 खवातीन समेत 13 अफराद जां बहक। मशरकी बाईपास पर 2 बच्चियों समेत 4 अफराद डूब गए, 20 से ज्यादा जख्मी। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमा मौसमियात की 9 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। खोखरा पार सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के करीब दीवार गिरने से 15 साल का लड़का जाँ बहक। सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश। नालालई में डूबने वाले बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगाने वाला शहरी लापता। दरियाए चनाब में डूब कर 2 नौजवान जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। इमरान रियाज गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें। लाहौर हाई कोर्ट गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्ला ने रिमार्क्स दिए। इमरान रियाज को पंजाब की हदूद से गिरफ्तार किया गया जहां इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में 2 बजे फिर पेश करने का हुक्म। इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई का आज एहतजाज का ऐलान। सहाफियों की गिरफ्तारियां और मुकदमात पर इमरान खान की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा अरशद शरीफ पर मुकदमात दर्ज कराए गए। साबिर शाकिर मुल्क छोड़कर बाहर चला गया, ये समी इब्राहिम के पीछे पड़े हैं। जमील फारूकी को धमकियां दी जा रही हैं। अदलिया से पूछता हूँ, क्या मुल्क में बुनियादी हकूक मुअत्तल हो चुके हैं? जो चैनल हक के साथ खड़े हैं उनकी रेटिंग आसमान पर चली गई। इम्पोर्टेड हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख लाहौर से गिरफ्तार। सादा लिबास में मलबूस अहलकारों ने होटल से हिरासत में लिया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। बेटी ने बाप की गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। कहा वालिद की जान को खतरा है, उन्हें कुछ हुआ तो इन तमाम अफराद को बेनकाब करूँगी जो इसके पीछे हैं। पीटीआई रहनुमाओं की भी शदीद मजम्मत। मुल्क में कोरोना के जानलेवा वार जारी। मोहलिक वायरस एक और जान ले गया। एक दिन में 805 नए केसेस रिपोर्ट। शरह 4.69% हो गई। 168 मरीजों की हालत नाजुक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।